हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 16, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट पूरा कर चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या है? बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक सरफेस पे लाइट टकराती है और उसे स्ट्राइक बैक नहीं करती। स्ट्राइक बैक तो तब करती है जब रिफ्लेक्शन होता है। इसमें क्या होती है, लाइट टकरा के पास हो जाती है, उस मीडियम से लाइट टकरा के पास हो जाती है। जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में पास करे, वो ऐसे इस तरफ भी मूव कर सकती है, वो थोड़ा इस तरफ को और आगे भी मूव कर सकती है, थोड़ा कम भी मूव कर सकती है। तो जब लाइट ऐसे मूव करे उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का पास हो जाना और उसके पाथ का चेंज होना। तो डेफिनेशन अगर हम देखें, When a ray of light passes from one transparent medium to another transparent medium, जब एक transparent medium से दूसरे transparent medium में जाती है, एक straight line में वो travel कर रही है, तो उसकी direction change हो जाती है, या फिर उसका जो path है वो bend हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अगर हमारे पास कोई भी दो medium है, ये one transparent medium है, ये second transparent medium है, तो light straight line में travel कर रही है, लेकिन उसका path थोड़ा सा bend हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद आते हैं हमारे कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि ये जो रिफ्रैक्शन है, ये जो चेंज हो रहा है पाथ में, ये होता क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है। जो एयर है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सी से रिप्रेजेंट की जाती है, वैक्यूम में या एयर में, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। वैक्यूम में बोला जाए या एयर में बोला जाए, तो स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल्स जो है चैप्टर में एक दो छोटे मोटे, उनमें इसका काम आता है। सी की वैल्यू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। सी ऑलवेज रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग मीडिया में अलग अलग होती है। मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम। जब एक से ज्यादा मीडियम होते हैं तो हम मीडियम्स नहीं बोलते, हम मीडिया बोलते हैं। तो ड्यू टू दिस चेंज इन स्पीड, अब स्पीड में चेंज होने की वजह से क्या होता है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। जब स्पीड में डिफरेंस आता है तो क्या होता है कि जो लाइट है वो बेंड हो जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और डायरेक्शन चेंज हो गई, लाइट बेंड हो गई, और ये जो लाइट बेंड होने का फिनोमेना, ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया। तो बेसिकली इसका क्या कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि लाइट स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, मतलब जो लाइट की स्पीड है जब वो चेंज हो रही है, उसी की वजह से लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है एंड अल्टीमेटली रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब उसके बाद है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, The speed of light in a given medium is taken as an indicator of its optical density. जो speed of light है किसी भी object में, जो speed है light की, वो उसकी optical density बताता है। इसका मतलब ये है, optical density का मतलब ये है कि light उस medium में कितनी धीरे या कितनी fast move कर रही है, कितनी slow या कितनी fast light उस medium में move कर रही है। ऑप्टिकल डेंसिटी का अगर मैं आपको बेसिकली मीनिंग बताऊं, तो इसका मीनिंग ये है कि उस मीडियम में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो लाइट को रोक रहे हैं। मान लो ये एयर है, इसमें बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो लाइट को रोक रहे हैं, तो लाइट अपनी फुल स्पीड में मूव कर रही है, 3×10^8, ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की एयर में। हर जगह भी, मतलब कहीं पे भी अगर हम देखें, तो एयर 3×10^8 से ज्यादा फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकती। अगर हम वाटर ले लें इसकी जगह, वाटर में क्या है, पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और वो पार्टिकल्स लाइट को रोकेंगे। तो पार्टिकल्स ज्यादा हैं, लाइट की स्पीड कम हो रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हमें क्या पता चला कि ऑप्टिकल डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड होगी लाइट की, उतना कम उसका ऑप्टिकल डेंसिटी होगी एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तब हम देख के बता सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से पता कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट की स्पीड, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट की कितनी ऑप्टिकल डेंसिटी है। अगर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे ही
मीडियम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। एक टाइम पे लाइट दो मीडियम में से ही पास कर सकती है ना, इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है, तो ये मीडियम वन ये मीडियम टू। तो अब मैं आपको ये दोनों मीडियम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक ही बार में बता देता हूँ। ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है। इसमें मीडियम वन, अभी मैं आपको लाइट बना के नहीं दिखा रहा क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे को आगे और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपको डायग्राम के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अच्छे से बता दूंगा। अभी सिर्फ आप ये याद रखें, यहाँ मतलब ये समझना, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैं ले रहा हूँ 2.8 × 10^8 m/s, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट में ले रहा हूँ 2.5 × 10^8 m/s। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर, वो होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो जो मीडियम वन है वो होगा रेयरर, और जो मीडियम टू है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, स्पीड ऑफ लाइट कम है दूसरे वाले मीडियम से, तो ये होगा डेंसर मीडियम। मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो वो होती है ऑप्टिकल रेयरर, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो वो होती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये दोनों टर्म्स काफी इजीली आपको यहाँ से समझ आ गई होंगी। अब अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और नई टर्म है आपके लिए। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो ऊपर वाले जो ये दो केसेस मैंने आपको बताई, ये ऑटोमेटिकली अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का दो अलग अलग मीडियम में, और ये हमें एक्सटेंट बताता है कि एक लाइट कितने हद तक रिफ्रैक्ट हो रही है। क्योंकि लाइट का क्या है, वो ऐसे भी रिफ्रैक्ट हो सकती है, मान लो इतनी सी रिफ्रैक्ट हुई, या फिर पूरी ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। ये दो अलग अलग हो गए ना, यहाँ पे हल्की सी रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि वो लाइट कितनी रिफ्रैक्ट हुई। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया गिव्स अ मेजर ऑफ एन एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कितनी हद तक वो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एक रेशियो है बेसिकली, ये एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का दो अलग अलग मीडियम में, जो हमें ये बताता है कि वो लाइट कितने हद तक रिफ्रैक्ट हुई। दिस रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर हम कहें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हमें दो मीडियम दे रखे हैं, एक मीडियम वन और एक मीडियम टू, तो हमें निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू का मीडियम वन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, पहले मैं वो सही कर दूं। यहाँ पे होगा मीडियम वन और यहाँ पे होगा मीडियम टू, दिस विल बी मीडियम वन एंड दिस विल बी मीडियम टू। तो अगर हमें मीडियम टू का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो मीडियम वन मीडियम टू का निकालना है तो मीडियम टू नीचे रहेगा, और मीडियम वन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो मीडियम वन ऊपर रहेगा। देयरफोर जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको हम नीचे रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको हम ऐसे लिखते हैं, और रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन होता है म्यू, दिस इज कॉल्ड म्यू, और टू होता है ऊपर, वन होता है नीचे, और ऐसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये चीज ध्यान रखना, जिस मीडियम की हम निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट हमेशा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में रहता है, लेकिन जब हम उसको साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऊपर आता है। यहाँ पे जो टू है ये ऊपर है, ठीक है, ये टू जो है ये ऊपर आएगा, लेकिन फॉर्मूले में स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी, मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं इसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एग्जाम्पल इसी में ले लेता हूँ। मान लो हमें, मेरे को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन के लिए, मीडियम वन के लिए निकालना है, तो वन म्यू विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू ऊपर रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन नीचे रहेगी, क्योंकि मैं वन के रिस्पेक्ट के लिए निकाल रहा हूँ। तो वी टू क्या है, 2.5 × 10^8, और वी वन क्या है, 2.8 × 10^8। तो इसी तरीके से मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2.5/2.8, तो ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हमारा एक और टर्म आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बस ये चेंज हो जाता है कि हम रिलेटिव में क्या लेते थे, ऊपर भी एक मीडियम नीचे भी एक मीडियम।
अब हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी भी मीडियम का, तो हम क्या करेंगे, नीचे तो उस गिवन मीडियम की स्पीड रखेंगे, मतलब उस गिवन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, नीचे तो वही रखेंगे क्योंकि हम उसके लिए निकाल रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जिस मीडियम का निकालते हैं वो हमेशा नीचे रहेगा। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऊपर एक मीडियम होता है, दूसरा मीडियम, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बस ऊपर वैक्यूम आ जाता है, मतलब जो मीडियम दूसरा वाला मीडियम है वो वैक्यूम से रिप्लेस हो जाता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो हमें इन तीनों में से, इसमें से, इसमें से और इसमें से कोई भी दो वैल्यूज मिलेंगी, या तो V1 और V2 की मिल सकती है, हमें इसकी निकालनी है, या इसकी और V1 की दे रखी है V2 की निकालनी है, या फिर V2 और इसकी दे रखी है V1 की निकालनी है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आता है तो इसमें चेंज होगा, सी की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो याद रखनी ही है। अब वो Vm दे सकता है आपको ये निकालना है, या फिर आपको ये देगा आपको Vm निकालना है, इसमें ये चेंज आ सकता है कि वो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो उसके बाद एक रिलेशन होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। उसके बाद रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, दो रूल्स होते हैं रिफ्रैक्शन के। यहाँ पे अभी हम फिर से ऊपर वाले डायग्राम में जाएंगे जो अभी हमने बनाया था। ये हमें क्या बताते हैं दो रूल्स, पहला रूल ये है कि जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। नॉर्मल क्या होता है, बीच की ऐसे स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन, ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन होती है नॉर्मल। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ ऐसे झुक जाती है। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ, सॉरी ये अंदर वाला होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ऐसे झुक गई। अब यहीं देख लेना, ये डायग्राम थोड़ा बिगड़ गया, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बीच वाली ये स्ट्रेट बनेगी, ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई मेरे से, ये स्ट्रेट बनेगी, ये होगी नॉर्मल। लाइट असल में कैसे ट्रैवल करनी थी, लाइट को कैसे ट्रैवल करना था, ऐसे ट्रैवल करना था एकदम स्ट्रेट, लेकिन मीडियम में चेंज होने की वजह से वो ऐसे मूव हो गई, यहाँ इस तरफ हो झुक गई। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, जस्ट इसका उल्टा, कि अगर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में आ रहा है तो क्या होगा, वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगा। ये नॉर्मल है, स्ट्रेट बनी है यहाँ पे, वो नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड हो जाएगा, मतलब लाइट को जाना कैसे था, लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन चेंज होने की वजह से वो ऐसे मूव कर गया। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूरा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप आपको ये दो लॉ समझ आएंगे। अब मैं ऊपर डायग्राम में जाके आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे रेज क्यों नहीं बनाई थी, कहाँ गया वो, हाँ ये इस वाले डायग्राम में क्या करा था मैंने, रेज नहीं बनाई थी। तो ये था ऊपर वाला, मैंने लिया था रेयरर मीडियम, नीचे वाला मैंने लिया था डेंसर मीडियम। तो इसमें जब हम रेज बनाएंगे तो कैसे बनेगी, मान लो अगर ऐसे आ रही है तो वो थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाएगी, क्योंकि वो रेयरर से डेंसर की तरफ मूव कर रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए वापस, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है आज की वीडियो का, वो है फिनोमिना बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कौन से फिनोमिनाज अलग अलग बेस्ड होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। फर्स्ट, अ पॉन्ड अपीयर शैलो देन इट एक्चुअली इज, मतलब कोई भी स्विमिंग पूल या पॉन्ड हमें कम गहरा दिखता है, मतलब अगर वो 7 फुट 8 फुट का है तो वो हमें 6.5-7 फुट का दिखता है, मतलब अगर 7 का है तो 6.5-6 का दिखेगा, 8 का है तो 7 फुट का दिखेगा, ऐसे लगता है। कॉइन जो है वो हमें, अगर हम साइड से देखें, कांच की ग्लास में कॉइन डाल के उसे साइड से देखेंगे तो वो भी हमें थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा। सिमिलरली अगर हम किसी स्टिक को पानी में डालते हैं तो वो हमें ऊपर से मुड़ी हुई नजर आएगी। ये सारे प्रैक्टिकल इसके देख सकते हो आप, मतलब लिटरली एक पानी की बाल्टी में अगर आप कुछ ऐसे स्टिक जैसा डुबाओगे तो वो आपको ऊपर रेस्ट दिखेगा, आपने नोटिस भी करा होगा कभी। और लेटर्स ऑफ अ वर्ड, अगर किसी पेज पे कुछ लिखा हुआ है और अगर आप उसके ऊपर एक ग्लास का ब्लॉक, ग्लास की स्लैब रख देते हैं और फिर उसे देखते हैं तो वो वर्ड्स भी उठ हुए लगते हैं। सो ये होते हैं फिनोमिना बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। अब ये होता कैसे है, मान लो ये एक ग्लास है या फिर एक कप है वाटर का, ठीक है, उसमें यहाँ पे नीचे कॉइन रखा है। अब हम आपको ये पता होगा कि हम सिर्फ स्ट्रेट लाइट को देख सकते हैं, मतलब ऐसे लाइट जब स्ट्रेट आती है तो ही हमारी आईज में आती है, ऐसे बेंड रेज हम ऐसे नहीं देख सकते, ये जैसे बेंड रेज होते हैं ये हमें विजिबल नहीं होती, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइट देख सकते हैं। तो लाइट तो भाई कॉइन से स्ट्रेट ही आ रही थी, ऐसे आ रही थी, लेकिन
यहाँ पे मीडियम चेंज होने की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। अब हमारी आई तो स्ट्रेट देखेगी, तो अगर हम इसे स्ट्रेट दिखाएंगे तो ये कैसे आएगी, ऐसे। तो जो कॉइन असल में यहां पे था वो अब हमें यहां दिखेगा, ये डिफरेंस आ गया ना। तो ये जो डिफरेंस है ये रिफ्रैक्शन की वजह से आया, और इसीलिए कॉइन हमें इतना उठा हुआ दिखेगा। तो ये वाली डेप्थ हो जाएगी एपरेंट डेप्थ। ये एपरेंट की स्पेलिंग अगर आपको सही से विजिबल नहीं है, APPARENT, ये हो जाएगी एपरेंट डेप्थ, और पूरी हो जाएगी रियल डेप्थ, मतलब उसकी असल डेप्थ इतनी है और हमें उसकी डेप्थ इतनी लग रही है, ये बीच में इतना गैप आ गया, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये असल में गैप नहीं आया, ये सिर्फ हमें लग रहा है कि कॉइन यहाँ पे है, असल में अगर हम देखें तो कॉइन नीचे ही है, बस हमें वो लग रहा है वो ऊपर है। और सेम फिनोमिना अपोजिट होता है अगर हम पानी के नीचे से देखें, अगर हम पानी के नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमें वो चीज नीचे की तरफ दिखाई देती है, जैसे वो हमारे पास है लेकिन असल में वो थोड़ा दूर होती है। आई होप आपको यहाँ तक अभी सारा समझ आया होगा। अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।